प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है कि कोई भी गरीब कंक्रीट छत से वंचित नहीं रहेगा। प्रत्येक गरीब के पास सर्व सुविधा युक्त पक्का आवास होगा। सभी को आवास निर्माण के लिए राशि स्वीकृत कर उनके बैंक खातों में जमा की जा रही है। आवास योजना के सभी पात्र हितग्राहियों को आवास निर्माण की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। यह उद्गार मिशन नगरोदय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री व विधायक रामपाल सिंह राजपूत ने व्यक्त किए। कार्यक्रम का आयोजन नगर परिषद के द्वारा नगर पालिका कार्यालय में किया गया। प्रारंभ में कन्या पूजन किया गया व देवी सरस्वती व महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर मुख्य अतिथि के द्वारा यह किया गया। आज़ादी के 75 साल होने पर शहीदों की याद में 75 दीप भी प्रज्वलित किए गए। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री व विधायक रामपाल सिंह राजपूत ने कहा कि रामपाल सिंह राजपूत ने देश को आज़ादी दिलाने वाले वीर शहीदों का स्मरण व श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज से ही अमृत विधायक रामपाल सिंह ने कांग्रेस की 15 माह की सरकार पर भी अनेक कटाक्ष किए। उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार की हितग्राही मूलक योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। यहाँ पर श्री सिंह ने 8,32,000 की राशि के किए जाने वाले 4 निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय शुक्ला सहित भाजपा नेतागण और कार्यकर्ता मौजूद रहे। छत वाले मकान बना के सबको दिए जाएंगे, चिंता की कोई जरूरत नहीं। जो रह गए कुछ लोग रह गए, मुझे दे रहे दरकार। और उनको दूसरा निवेदन यह है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है भैया, लेन देन बंद कर देना। पता चला कि 10-15 महीना में चलने लगा था। कांग्रेस योजना के अंतर्गत आज सिलवानी नगर में 621 हितग्राहियों को 6,21,00,000 रुपए की राशि, 6,21,00,000 रुपए की राशि माननीय विधायक जी के कर कमलों से वितरित की जा रही है। जननिधि योजना है, हमारे मध्य प्रदेश सरकार लेके आई है, जो आपको सब मालूम है। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार का प्रशासन जब रहा, इसीलिए योजनाएं लेट हो गई। और जो अब फिर से जो हमारी सरकार वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सिलवानी से मोहम्मद अमन की रिपोर्ट।